वेलकम टू कुकिंग चिकन विद प्रिया। आज मैं आपको तवे पर बिना ईस्ट का पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए नमक, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है शक्कर। 3 टेबल स्पून हमें इसमें चाहिए तेल। साथ ही साथ हमें चाहिए 1 कप दही। सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ेगी तो उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसका डो लगा लेते हैं। इस तरह ये थोड़ा चिपकेगा लेकिन बाद में अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढककर रख देते हैं। 30 मिनट के लिए मैंने इसको यहाँ पर ढककर रख दिया है ताकि डो जो है हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 30 मिनट हो गए हैं, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। डो हमारा अच्छी तरह सेट हो गया है और काफ़ी अच्छा फूल भी किया है। थोड़ा सा हम इस पे तेल लगाएंगे और अच्छी तरह से हमें डो को मिक्स करना है। हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसको मिक्स करना है, ज़्यादा अच्छे से ज़ोर से जो है हमें इसको दबाना नहीं है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसकी लोइयाँ बनानी हैं। तो चलिए पहले हम इसकी एक लोई बना लेते हैं। इसकी जो लोई बनती है ना, वो थोड़ी हमें मोटी बनानी है, क्योंकि पिज़्ज़ा का जो बेस होता है थोड़ा मोटा होता है, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी मोटी लोई बनाएंगे। हल्के हाथों से दबाते हुए हमें इसको गोल गोल करना है और इसको हमें रोटी के जैसे जो है गोल गोल बेलना है। आप चाहे तो सूखे मैदा से डस्ट भी इसको कर सकते हैं, यदि आपको बेलने में दिक्कत आ रही है तो। इस तरह हम इसको गोल गोल बेलेंगे। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतना ही हमें इसको थिक रखना है। अब हम एक फोक लेंगे और फोक से हमें इसमें इस तरह के छेद करना है। पिज़्ज़ा जो है हमारा फूलना नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब मैंने गैस पे तवा रख दिया है, तवा जो गर्म हो गया है तो मैंने पिज़्ज़ा का बेस इस पर डाल दिया है। कम आँच पर हमें इसको सेकना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सिकाई हो रही, इसी तरह हमें इसको सेकना है। दोनों साइड से कहीं से भी जो है जलना नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो कम फ्लेम पे हमें सभी बेस जो है इसी तरह सेकने हैं। इस तरह हम दूसरा पिज़्ज़ा का बेस भी सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं सिकने के बाद जो है कितना अच्छा फूला है और कितने सारे बेस हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह आसानी से हम पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस हमारा 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होता है। ठंडा होने पर एयरटाइट कंटेनर में भरकर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। टॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है पिज़्ज़ा सॉस लिया है, वीबा कंपनी का, ये बहुत अच्छा आता है। तो 2 चम्मच जो है हम पिज़्ज़ा पे जो है इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ से हम इसको फैला लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ सब्जियाँ चाहिए जिससे कि हमने धोकर अच्छे से कट कर लिया है, तो वो सब्जियाँ हम इसमें डालेंगे। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए हैं, तो टमाटर को भी मैंने जो है लंबा लंबा कट कर लिया है, एक एक हम इस पर लगाते जाएंगे। इसी तरह जो है हमने यहाँ पर प्याज लिया है, प्याज को भी मैंने यहाँ पर धोकर अच्छे से लंबा कट कर लिया है, वो भी हम इसके बीच में लगा देंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ली है शिमला मिर्च, उसको भी जो है अच्छी तरह से कट कर लिया है, तो वो भी हम एक के ऊपर एक जो है पास पास में लगाते जाएंगे। आप कोई सी भी जो है सब्जी ले सकते हैं इसमें, आप चाहे तो मक्के के जो दाने आते हैं ना वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली है अमूल की मोज़रेला चीज़, ये भी जो है चारों तरफ से हम इस पे लगा देते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ली है और हमने यहाँ पर ली है पिज़्ज़ा सीजनिंग, तो वो भी इस पे हम लगा देंगे। चिली फ्लेक्स और हर्ब्स जो आता है वो हम इस पे लगा देते हैं। ये मार्केट में जो आसानी से मिल जाता है, सभी को अच्छी तरह से हमें फैला देना है। अब मैंने एक ओवन लिया है, ओवन को अच्छे से मैंने प्री हीट कर लिया है 5 मिनट के लिए, और ये प्लेट जो है हम इस पर इसी तरह रख देंगे और गैस की फ्लेम को जो है हम 5 मिनट फुल रखेंगे। फिर हम मीडियम फ्लेम पे इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। पच्चीस से 30 मिनट हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा जो है हमारा बेक हुआ है, चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और पिज़्ज़ा भी अच्छी तरह से फूला है, आप देख सकते हैं। इस तरह बिना ईस्ट के, बिना खमीर के हमारा शानदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल विश्वास भी नहीं करेंगे कि बिल्कुल हमने
डोमिनोज स्टाइल का पिज़्ज़ा बनाकर घर पर ही तैयार किया है। इस तरह आसानी से जो है आप घर पर पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।